योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है एवं समस्त देशवासियों को भी योग के समस्त शीर्षस्थ साधु संत महंत एवं सभी भगवत भक्तों को और योग प्रेमियों को मेरा प्यार भरा वंदन। और आज एक ऐसा अभ्यास हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, जो भार संतुलन एक हर एक व्याधि की जड़ होती है। भार और ऐसा भार माने ये भारत का ही नहीं अपितु समस्त विश्व का भार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कोरोना काल में हम सब लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा कोरोना से ग्रसित वही लोग हुए जो अपने भार से परेशान थे। तो इसके पहले हमने भार संतुलन के लिए लेट करके कैसे अभ्यास करने चाहिए, आसन करने चाहिए, उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है, उसको भी आप देख लेना, जिसको जैसा अच्छा लगे। किसी को लेट के आसन करने में आसानी होती है, किसी को खड़े होने में, खड़े होकर के योग करने में आसानी होती है। तो खड़े होकर के भी हमने भार संतुलन के लिए 12 योगिक जॉगिंग के अभ्यास इसके पहले यूट्यूब के ऊपर अपलोड की है, आई बटन में आप उसको देख लेना। आज हम आपको बैठ करके माने बैठक स्थिति में किए जाने वाले आसन जो भार संतुलन के है उसके अभ्यास, विशेष तीन ही अभ्यास मैं आपको बताऊंगा। तो आइए, तीन अभ्यासों में सबसे पहले हमें वो अभ्यास करना है जिसका नाम है स्थित कोण आसन। ऐसे दोनों पैरों को सामने से फैला देना, बराबर दोनों पैरों को सामने से, या तो आप ऐसा भी रख सकते हो पैर मिला के, ये भी उसका पहला अभ्यास होता है। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा डिस्टेंस पैरों में, या फिर जितना ज़्यादा आप पैर फैला सकते हो फैला देना। तो आइए देखते हैं अभ्यास। दाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ लेना और बाएं हाथ की तरफ ऐसा पीछे देखना सांस भर के, यहाँ सांस छोड़ देना। स्थित कोण आसन, कटी सौंदर्य आसन भी इसका नाम है। और आपके घुटने उठने नहीं चाहिए, घुटने सीधे हो, आपकी हथेली सीधी हो, कमर सीधी हो, ऐसे ये पहला अभ्यास कर लेना। फिर उसके बाद में इसका दूसरा अभ्यास कर लेना। अब दाया हाथ जो है बाएं पैर को पकड़ लेना, दाया हाथ से बाएं पैर को पकड़ लिया, अपनी अपनी निर्धारित योग साधना, ऐसा 20, 50, 100 बार या 1000 बार भी आप इसको कर सकते हो। ये था आपका स्थित कोण आसन, कटी सौंदर्य आसन। बस ये ऐसा ही देखना, हर चीज़ को पूरा देख के समझ के और बूझ के उसको करना, समझ बूझ होनी चाहिए। ये पहला अभ्यास हमने किया स्थित कोण आसन। उसके बाद में हमें अगला अभ्यास है दूसरा, बैठक स्थिति में ही हमें भार संतुलन के कैसे अभ्यास करने हैं उसके लिए बढ़ रहे हम दूसरे अभ्यास की ओर। दूसरा अभ्यास है हमारा जो ग्राइंडिंग, इसमें सांस छोड़ करके आगे झुकना, सांस भर के पीछे,
और बड़े आनंद से करना। बस जिनको हार्निया की समस्या है वो ज्यादा पीछे नहीं जाना। हार्निया अगर है, कमर में दर्द है, तो ज्यादा आगे नहीं झुकना। ये कुछ नियम है, इन नियमों के साथ अगर आप योग करते हो, अतः योग अनुशासनम, तो एक हमारा अनुशासन भी बन जाता है। तो ऐसे 10, 20, 50, 100 बार दाएं साइड से हमने किया। अब इसी को बाएं साइड से कर रहे हैं। कहाँ रहेगा पेट? पेट एकदम नरम मुलायम, और आंतों की ताकत भी इससे बढ़ती है। तो ऐसे दोनों ओर से इस अभ्यास को करना, बराबर। उसके बाद आखिरी अंतिम अभ्यास, जो मैं तो कहता हूँ सबसे पावरफुल अभ्यास है वो, ये तीनों अभ्यासों में, जिसका नाम है विपरीत भूमि नमन आसन। ऐसा पैरों में भरपूर फासला लेना, बराबर। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, सांस ले करके यहाँ छोड़ दूंगा, फिर भरना, यहाँ छोड़ना, ऐसा। ये दोनों ओर से हर अभ्यास को, मैंने तीन अभ्यास हमने किए। पहला अभ्यास था स्थित कोणासन, दूसरा अभ्यास था ग्राइंडिंग मैंने चक्की आसन, और फिर ये हमारा तीसरा अभ्यास था विपरीत भूमि नमन आसन, जिससे कुछ लोगों का पेट जो है ना, ऐसा एक कुछ विशेष पेट ही बाहर आ जाता है, बाकी तो जंघाओं में और पेट पे ही बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट हो जाता है, और आगे झुक नहीं सकते, पीछे झुक नहीं सकते, खड़े होकर के व्यायाम कर नहीं सकते, बैठ के भी व्यायाम कर नहीं सकते, क्योंकि पीठ में बड़ा दर्द होता है। तो ये धीरे धीरे ये अभ्यास आप कर लेना और अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, यही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। और आप प्रतिदिन योग करना, योग व्रति बनना। योग व्रति जब तक आप बनोगे नहीं, योग व्रति के साथ साथ में आयुर्वेद व्रति भी आप बनना, हाँ प्राकृतिक व्रति भी आप बनना, स्वदेशी व्रति भी आप बनना, क्योंकि यही तो हमारे देश की आन बान और शान है, और इसी से हमारा देश और आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और हमारी ये ऋषियों की विशेष ये संपदा है, इसी से हमारा उद्धार तो होगा ही होगा, मगर सारे विश्व का भी उद्धार होगा। वसुधैव कुटुंबकम, इसी मंगल कामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।